वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो थोड़ा सा 2 दिन में गैप हो गया है, और इस वजह से क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मैंने अपग्रेड करवाया था, थोड़ा सा और बेटर करवाया था, ताकि आने वाले इस मंथ हम लोग लाइव सेशंस वगैरह बहुत अच्छे से ले पाएं। तो उसके लिए 2 दिन जो है वो नेट बंद रहा था इंटरचेंज करने के चक्कर में। खैर, अब आगे हम लोग फ्रॉम द 1 जून यहाँ पे अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूशन में रहेगा सब कुछ। तो अब यहाँ पे बात करें हम शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन सेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन को, आगे कंटिन्यू करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। फ्लाईव्हील हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, गवर्नर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सिंपल मैकेनिज्म गियर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो उसी के आगे कंटिन्यूशन में मैं चलता हूँ। आज डिस्कस करने वाले हैं हम बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में बड़े छोटे से कंसेप्ट है बच्चों, 7-8 चीज़ें हैं बस आपको जो ध्यान रखनी है, उसी में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की, तो आप सभी को पता है बैलेंसिंग मतलब साफ है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए फोर्सेस लगते हैं, है ना। किसी भी सिस्टम को मूव कराने के लिए फोर्सेस लगते हैं, या किसी भी सिस्टम को रेस्ट में रखने के लिए फोर्सेस लगते हैं। लेकिन ये फोर्सेस कैसे होते हैं? जब हमें किसी सिस्टम को रेस्ट में रखना होता है तो ये सारे फोर्सेस जीरो हो जाने चाहिए, मतलब इस तरह से लगने चाहिए कि ये सब बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। और जब हम किसी को मोशन में रखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, लेकिन एक फोर्स ऑन होना चाहिए जिस फोर्स से वो बॉडी जो है मूव कर सके। तो ये हमारा बेसिक मेथड रहता है बैलेंसिंग का। तो इसीलिए बैलेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बैलेंसिंग 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इट डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज द स्टैटिक बैलेंसिंग एंड द अदर वन इज कॉल्ड डायनेमिक बैलेंसिंग। What is called static balancing? Static balancing मतलब यही है कि when all the forces, sum of all the forces equal to zero, when the system is in equilibrium, तो याद रखिए, in static balancing we have to just balance the force. Static balancing में हम लोगों को सारे forces को balance करना होता है। ये नहीं है कि फोर्सेस लगते नहीं है, फोर्सेस लगते हैं, बट दे ऑल गेट बैलेंस, ठीक है ना। समझ आ रही है बात। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट डायनेमिक बैलेंसिंग, तो वी हैव अ फोर्सेस एज वेल एज मूवमेंट्स और कपल्स। तो इन डायनेमिक बैलेंसिंग द फोर्सेस शुड बी जीरो एंड मूवमेंट्स शुड ऑल्सो बी जीरो। तो यहां पर मोमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो अभी देखेंगे हम, बैलेंस्ड। बट इन डायनेमिक बैलेंसिंग आपको मोमेंट भी बैलेंस करने होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वेट, कोई भी वेट है किसी बॉडी में, जस्ट आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी बॉडी, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी, ये मीन मान लीजिए शाफ्ट है, ये रोटेट हो रही है इस तरह से, है ना, ये सीधी सीधी रोटेट हो रही है। तो इस पर अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई लोड इस पर लटका दिया, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, इसके वजह से, लोड के वजह से इधर को नीचे खिसक रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए एक लोड ऐसा ही ऊपर लटका दिया इसके, तो अब ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। लेकिन उसी पॉइंट पे नीचे है, उसी पॉइंट पे ऊपर है, तो एक दूसरे को उसी पॉइंट पे बैलेंस कर रहे हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से कोई मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, ये फोर्सेस, ये दैट इज कॉल्ड स्टैटिक बैलेंसिंग। लेकिन जब मूव कर रहा है और ये वाला फोर्स कहीं यहां लग रहा है, तो अब क्या होगा, अब इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं मूवमेंट भी लगेगा। भाई फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, अब तो इनके वजह से कहीं मूवमेंट भी लगेगा। तो दैट इज, यहां पे अब मूवमेंट को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कि मींस जितने का मोमेंट यहां से यहां लग रहा है, उतने का मोमेंट यहां से यहां भी लगे, तब जाके मोमेंट बैलेंस होंगे, तभी उसे कंप्लीटली बैलेंस किया जाएगा, नहीं तो उसमें बेंडिंग हो सकती है। तो ऐसे में वी नीड टू बी स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिकली बैलेंस। तो इसलिए ये किन में होता है, यूज्ड वेयर फोर्सेस आर इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है ना, जहां पे फोर्सेस डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं, अलग अलग कुछ कुछ डिस्टेंस की दूरी पे होते हैं, वहां पे लगती है डायनेमिक बैलेंसिंग। और स्टैटिक बैलेंसिंग यूज्ड वेयर फोर्सेस आर, या रोटेटिंग मासेस बोल सकते हो, फोर्सेस आर इन सेम प्लेन, सबसे सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं हम लोग,
एंड यू ऑल्सो कैन से यूज वेयर रोटेटिंग मासेस आर इन डिफरेंट प्लेन्स. तो फोर्सेज कौन सी हैं? फोर्सेज ड्यू टू रोटेटिंग मासेस, जो मास रोटेट हो रहे हैं उनके वजह से जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना. तो फोर्सेज ड्यू टू रोटेटिंग मासेस, तो अगर वो मास रोटेट हो रहे हैं सेम प्लेन पे देन इट इज नीड टू बी स्टैटिकली बैलेंस्ड, ठीक है ना. व्हेन दे आर रोटेटिंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स, व्हेन द रोटेटिंग मासेस आर रोटेटिंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स, देन वी हैव टू बैलेंस फोर्सेस एंड मूवमेंट्स बोथ, ठीक है ना. दोनों ही आपको बैलेंस करने होंगे. तो अब यहां पे ये समझिए, हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस की. बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस की, ठीक है. तो जब रोटेटिंग मासेस की बैलेंसिंग हम बात करते हैं, तो यहां पे आप इसकी बैलेंसिंग में हमेशा ध्यान रखिए, भाई कोई भी एक्सिस है उस पर कोई भी मास अगर रोटेट कर रहा है, एम मास इज रोटेटिंग और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस से मास, सेंटर ऑफ द मास तक की दूरी जो है वो आर कहलाती है. तो इस मास का आर डिस्टेंस पे रोटेट होने से क्या होगा? देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्टेड ऑन आउटसाइड, एफ सी. एंड व्हाट इज दैट एफ सी? एफ सी आप सबको पता है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्या होगी? इसकी रोटेटिंग स्पीड. आर क्या है? इसका रेडियस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस से मास, सेंटर के मास तक की दूरी. और एम क्या है? द मास ऑफ द बॉडी. तो ये फोर्स होगा जो हमारा रोटेट होगा. तो अगर मुझे इसके वजह से, मतलब इस फोर्स के वजह से जो है अनबैलेंसिंग क्रिएट होगी, तो इफ आई वांट टू बैलेंस दिस फोर्स, तो मैं इतना ही फोर्स जो है उसके अपोजिट लगा दूं. अगर इफ आई एम अप्लाइंग द सेम फोर्स, सेम इक्वल फोर्स, याद रखिए अगर ये फोर्स की वैल्यू एफ सी की 100 है, तो आई हैव टू बी अप्लाई 100, ठीक है ना. तो 100 फोर्स अगर मैं अप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो जाता है. बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है. तो ऐसे में मेरा मास जो बैलेंस मास होगा, एम बी बोल देते हैं इसे, बैलेंस मास और रेडियस ऑफ बैलेंस मास वो कितना होगा? ये कितना भी हो सकता है, लेकिन इनका भी लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, एफ सी बैलेंस बोल देता हूं मैं इसे, वो होना इतना ही चाहिए. तो मीन्स एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी बी होना बहुत जरूरी है, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना. तो अगर मैं बोल रहा हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर से घूम रहा है, तो बैलेंस मास इंटू रेडियस ऑफ बैलेंस इंटू ओमेगा स्क्वायर, भाई एक ही लिंक से कनेक्टेड है तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही होगी, रोटेशन तो सेम ही है, तो ओमेगा स्क्वायर से कट जाता है. तो वी हैव जस्ट एम आर इज इक्वल्स टू एम आर. तो मीन्स रोटेटिंग मास को बैलेंस करने का बेसिक सा फंडा यही है कि यू हैव टू बैलेंस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन. वो मास कितना भी हो सकता है और रेडियस रोटेशन कितना भी हो सकता है. मतलब अगर मेरा कोई 10 का मास है, 2 का रोटेशन है, 2 मीटर वे रोटेशन है, तो मैं इसको 2×10 से भी बैलेंस करता हूं. मतलब 2 के मास को 10 मीटर पे लगा के भी बैलेंस कर सकता हूं. अल्टीमेटली प्रोडक्ट बैलेंस होना चाहिए, 20-20. समझ आई बात? क्लियर है? तो मींस यहां पे हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, फॉर द रोटेटिंग बैलेंसिंग ऑफ अ रोटेटिंग मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन शुड बी बैलेंस बिटवीन अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस, ठीक है ना. तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्सेस के बीच में ये प्रोडक्ट ऑफ मास और रेडियस रोटेशन हमारा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है. तो यहां पर हम सीधा सीधा ये बोले कि ऑन बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, वी हैव टू केसेस, स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक बैलेंसिंग, व्हेन रोटेटिंग मासेस आर इन सेम प्लेन. जब रोटेटिंग मास हमारे सेम प्लेन पे होते हैं, तो सेम प्लेन पे होने का मतलब हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन देगा, ठीक है ना, जिसमें देयर इज अ वन मास m1 एट सम डिस्टेंस r1, देयर इज अनदर मास m2
एट सम डिस्टेंस आर टू, एंड हमें और क्या देगा, और ये भी देगा कि कौन सा मास किससे कितने एंगल की दूरी पे है। जैसे मान लीजिए इसको बोलता है वो 30 डिग्री या 60 डिग्री की दूरी पे है, ठीक है ना। आई कैन टेक इट एनी एंगल लाइक जो भी वो देगा 60 डिग्री। अब वो कहेगा जो थर्ड मास है एम थ्री इट इज ऑफ आर थ्री डिस्टेंस एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी एंगल दे आपको, आपको 120 डिग्री मान लीजिए आपने ले लिया, तो जरूरी नहीं है वो हर बार एंगल M1 से देगा। वो बोलेगा देर इज अ एंगल बिटवीन M1 एंड M2 इज 60 डिग्री, देर इज अ एंगल बिटवीन M2 एंड M3 इज 80 डिग्री। नो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज 80 डिग्री और दिस इज 60 डिग्री, देन अगर ये 60 डिग्री है तो टोटल यहां से 120 डिग्री होगा। तो आपको एंगल जो है वो किसी एक ही मास से लेने हैं सारे एंगल, वो चाहे आपको बीच बीच के एंगल ही क्यों ना दे, लेकिन आप टोटल करके एक ही मास से लीजिएगा सारे एंगल, ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इजिली कर सकें। और एक मास हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना ही लेना है, ताकि आप एंगल वगैरह ड्रॉ कर सकें, ठीक है। ऐसे ही सेम मान लीजिए आपको बोलता है देर इज एम फोर मास, एम फोर मास विच इज 240 डिग्री फ्रॉम मास एम वन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और दिस इज आर फोर, इफ दिस इज द कंडीशन, वो कहता है कि बैलेंस द मासेस, अगर इन सबको बैलेंस करना है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, वन इज एनालिटिकल मेथड, द वन इज एनालिटिकल मेथड एंड द अदर वन इज योर ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट आई विल टेल यू एनालिटिकल मेथड इन अ शॉर्ट वे, बिकॉज ऑब्जेक्टिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनालिटिकल, बट आई विल टेल यू इन अ शॉर्ट वे कि यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द फोर्सेस सो दैट यू कैन बैलेंस द फोर्सेस। जस्ट आपको पता है यहां फोर्स कितना लग रहा है, अब देखिए ओमेगा सबका सेम होगा तो फोर्स होगा एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, बस देर इज नो नीड टू राइट ओमेगा, ठीक है ना, बिकॉज ओमेगा इज सेम फॉर एवरी वन। तो यू कैन जस्ट एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, यहां लगेगा एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, यहां लगेगा एम थ्री आर थ्री ओमेगा स्क्वायर एंड दिस फोर्स इज एम फोर आर फोर ओमेगा स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट ऑल दीज फोर्सेस, ठीक है ना। अब मान लीजिए इनको हमने कैलकुलेट किया, आप ओमेगा नहीं भी ले सकते, इनको हमने कैलकुलेट किया, ये निकल के आया यहाँ फोर्सेस है मान लीजिए कोई 100 न्यूटन, एग्जांपल ले रहा हूँ, 60 डिग्री पे कोई फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन एग्जांपल, यहाँ 120 डिग्री पे कोई फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन कैलकुलेट करके मान लीजिए जो भी आया, और 240 पे कोई फोर्स लग रहा है मान लीजिए 120 न्यूटन, ये हमारे टोटल फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट बैलेंस द फोर्सेस, मींस यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस। इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन कन्वर्ट इट इनटू 100 इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, कन्वर्ट 50 इनटू अलोंग 60 डिग्री 50 cos 60 एंड 50 साइन 60, ये हो गया कन्वर्ट, ठीक है। नाउ अगेन 80, अब ये देखिए ये 120 है तो ये कितना होगा, आप अपने हिसाब से करते, ये 120 है तो 180 में से 120 गया, दैट इज 60, अगेन यू कैन सॉल्व 80 cos 60 एंड 80 साइन 60, ये भी हो गया। नाउ अगेन दिस इज 240 एंड दिस इज 180, तो 180 में 240 कैसे आया, 180 प्लस 60 तो ये 60 है, अगेन यू कैन सॉल्व 120 cos 60 एंड 120 sin 60। नाउ यू कैन इजिली फाइंड कि हाउ मेनी फोर्सेज आर वर्टिकल एंड हाउ मेनी आर हॉरिजॉन्टल। यू कैन जस्ट सी दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना, दिस ऑल थ्री फोर फोर्सेज आर हॉरिजॉन्टल, टेक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, टेक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके सॉरी इक्वल टू जीरो नहीं, कैलकुलेट इट, ठीक है। टेक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, वेयर आर द वर्टिकल फोर्सेस, दिस इज द वर्टिकल फोर्सेस, दिस इज द वर्टिकल फोर्सेस, दिस इज द वर्टिकल फोर्सेस एंड वन मोर इज देयर 120 50 ओके थ्री, ऑल वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू कैलकुलेट इट।
तो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस, देन द रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो प्लस समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो एंड द रिजल्टेंट इज देयर. दिस इज द रिजल्टेंट. You have to just calculate the resultant, how much resultant. The resultant force is called balance force. ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. किसी बॉडी को मैं 10 न्यूटन से ऐसे खींचू, 5 न्यूटन से ऐसे खींचू, 3 न्यूटन से ऐसे खींचू, अल्टीमेटली बॉडी किसी एक जगह तो जाएगी. तो जहां वो एक जगह जाएगी वो रिजल्टेंट होगा. तो मुझे बैलेंस कैसे करना होगा, जितना भी इसका रिजल्टेंट, मान लीजिए 10, 5, 3 इधर उधर मैं खींच रहा हूं, उससे 2 न्यूटन बॉडी इधर जा रही है, तो मैं डायरेक्टली बैलेंस करूंगा 2 न्यूटन इधर से, बैलेंस हो गया. तो मींस जो भी इन फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट मैं बैलेंस फोर्स लगा दूं तो वही मेरा बैलेंसिंग फोर्स होगा. तो मींस उतना ही फोर्स, जितना रिजल्टेंट आएगा उतना ही फोर्स से मैं बैलेंस कर दूंगा. ठीक है, द अदर मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड एंड फॉर द ग्राफिकल मेथड यू ऑल नो the all forces are acting at the same point. मतलब these all forces are concurrent forces. They all are coplanar concurrent forces. Okay? Coplanar concurrent forces. What that mean? The forces are acting on a same plane or it acting on a same point. जो forces हैं वो सभी एक ही plane पे और एक ही point पे act कर रहे हैं. ठीक है ना, तो एक ही plane पे मतलब coplanar और एक ही point पे मतलब concurrent. Okay? तो ऐसे में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ forces balance करने थे, nothing else. But if तो पहले forces ही balance कर लें. तो याद रखिए, for a graphical method you have to just draw force polygon. The only question comes in exam from this topic is that for the balancing of rotating mass in a same plane, which diagram you have to draw? The options are A, force polygon, B, couple polygon, C, other examples are. So, yaad rakhiyega, we have to draw the force polygon. तो जब सेम प्लेन पे रोटेटिंग मास रोटेट कर रहे होंगे तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करके हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ हाउ टू ड्रॉ इट, यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर डायग्राम दैट दिस डायग्राम शुड बी करेक्ट. ठीक है ना, इफ यू फाइंड ऑल दी फोर्सेस, अगर आपको ये सारे फोर्सेस आप निकाल लेते हो, देन यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस फोर्सेस. फर्स्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल फोर्स, फर्स्ट वन दैट इज F1. The first one horizontal force F1 you have to draw, then other force is 60 degree from for with the horizontal. So with the horizontal 60 degree you have to just draw the 60 degree with the horizontal, that is F2. Okay, then again the other one is horizontal say 120 degree, so you have to just draw the horizontal line and the 120 degree like this. So there is the other force F3. Then the other force horizontal say 240 degree. So just from the horizontal you just take angle 240 degree and the other force is like this. So ye ho gaye F1, F2, F3, F4 force draw. Theek hai na, F1 ho gaya, then 60 degree pe F2 ho gaya, then 120 degree pe F3 ho gaya, then 240 degree pe F4 ho gaya. Ab yahan pe diagram aapka ruk gaya. Now force polygon, any polygon should be polygon when it is closed. तो आपको जस्ट इस पॉलीगन को क्लोज्ड करना है एट द एंड. तो बस आप स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट जो है वो क्लोज कर दीजिए. व्हेन यू विल गेट क्लोज द डायग्राम द लाइन यू विल मेजर इज योर रिजल्टेंट. यही होगा आपका रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल के साथ आप जो भी एंगल इसका देखोगे दैट विल बी द एंगल ऑफ देयर रिजल्टेंट, कि कहां पे वो फोर्स लगेगा. तो आप उसी एंगल और उसी रिजल्टेंट को आप बना दोगे कि दिस होल फोर्स शुड बी बैलेंस लाइक दिस रिजल्टेंट इफ यू टेक दैट एंगल. वो जो भी एंगल आएगा, यहां आएगा, वहां आएगा, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप यहां से लेते हैं यहां से. बट याद रखिए एंगल शुड बी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सारे एंगल लें. क्लियर है? तो जस्ट बाय दिस फोर्स पॉलीगन यू कैन कैलकुलेट, यू कैन बैलेंस योर रोटेटिंग मासेस. तो समझ गए आप लोग रोटेटिंग मासेस कैसे बैलेंस होते हैं इन अ सेम प्लेन. दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बैलेंसिंग. नाउ वी टॉक अबाउट व्हेन रोटेटिंग मासेस आर इन डिफरेंट प्लेन, तो डायनेमिक बैलेंसिंग कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं.
Now we will talk about balancing rotating mass in a different planes. When rotating masses are in different plane, that means we have to use a dynamic balancing here. इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, स्टैटिक बैलेंसिंग. नाउ अब ये कुछ कैसा हो सकता है, अब यहां पे इसका मैं साइड व्यू आपको दिखाऊंगा कि दिस इज द शाफ्ट और अ बार और समथिंग एल्स. तो यहां पे मासेस कुछ इस तरह से लगे हैं, देयर इज वन मास m1, देयर इज अनदर मास m2, देयर इज अनदर मास m3, देयर इज अनदर मास लाइक m4, ठीक है ना. दे हैव अ डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर. इट कैन बी सेम डिस्टेंस और आइदर डिफरेंट. ये डिस्टेंस जो है वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. बट यहाँ पे इनके बीच की दूरी भी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसके बीच की दूरी कितनी है. यू हैव टू जस्ट नो द डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज इफ यू कैन से एल वन एल टू एल थ्री और समथिंग, जो भी है. तो डिस्टेंस शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर, ठीक है. नाउ अब ये डायग्राम ऐसा है, लेकिन सामने से देखेंगे तो सामने से डायग्राम में आपको अभी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं उन प्लेन्स के, कि एक प्लेन ये है, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम, बट आपको इनका रोटेशन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये किस किस एंगल पे नहीं दिखाई दे रहे. तो इसका एक सामने वाला डायग्राम भी बनता है जिसमें आप कह सकते हो कि दिस इज द मास m1, तो m2 कहीं यहां है, M3 कहीं यहां है और M4 मान लीजिए कहीं यहां है, वही पीछे वाला डायग्राम बनाया मैंने ऐसा. तो अब देखिए, अब ये सेम चीज है, ठीक है. तो यहां पे आपको एंगल जरूर होंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री मान लीजिए, दैट इज 240 डिग्री, ठीक है ना. ये एंगल है बट ये सेम पॉइंट पे नहीं है, दे आर एट डिफरेंट प्लेन्स. इट इज लाइक दिस, ठीक है ना. इफ दिस इज द शाफ्ट, तो ऐसा एक ऐसा फोर्स है, मान लीजिए एक ऐसा फोर्स है, इसको मैं थोड़ा सा फिक्स करके दिखाऊं. मान लीजिए वन फोर्स इज लाइक दिस, ठीक है ना, अदर फोर्स इज लाइक दिस, ठीक है, और तीसरा फोर्स कुछ ऐसे है. तो अब सामने से देखेंगे तो सामने से ये तीनों पॉइंट हो सकता है एक साथ दिखाई दे कि एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो दे आर एट डिफरेंट प्लेन्स, कुछ कुछ डिस्टेंस की दूरी पे है ये फोर्स. अभी तो सब क्या थे, एक ही पॉइंट पे थे, अभी डिफरेंट की दूरी पे हैं और इनके बीच में एंगल भी जो है वो अलग अलग है, ये कुछ एंगल पे है, ये कुछ एंगल पे है, ये कुछ एंगल पे है. तो इट इज लाइक दिस, ठीक है ना. तो इस तरह से बैलेंसिंग मासेस जो हैं दे आर एट डिफरेंट प्लेन्स. तो जब हम इनकी बात करते हैं तो फर्स्ट तो वही है, देयर इज एन एनालिटिकल मेथड. व्हेन वी टॉक अबाउट द एनालिटिकल मेथड, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे सबसे पहले और साथ साथ मोमेंट को भी बैलेंस करेंगे, ठीक है ना. जीरो करने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी बैलेंस, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट. मोमेंट तो जीरो कर सकते हैं आप, फोर्सेस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टू फाइंड आउट द अननोन फोर्सेस, आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम, वर्टिकल का सम, ये दोनों तो लेना ही होगा, लेकिन साथ साथ आपको मोमेंट का सम भी कैलकुलेट करना होगा. बाय ऑल दीज थ्री इक्वेशन ओनली यू कैन कैलकुलेट दी अनबैलेंस फोर्स, जस्ट लाइक एनी क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिक्स. आप किसी मैकेनिक्स का क्वेश्चन करते हैं जिसमें इस तरह का उस लेते हैं, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया बात. क्योंकि ये दो कैलकुलेशन से वर्फ और वर्टिकल, इन दो कैलकुलेशन से आप एक इक्वेशन निकालोगे और एक इक्वेशन आप हॉरिजॉन्टल से निकालोगे, देन यू कैन जस्ट कैलकुलेट. एंड बाय ग्राफिकल मेथड, पेपर में क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड के लिए आप लोग क्या क्या बनाते हो, तो याद रखिएगा there is a force polygon and there is a couple polygon. तो एक बार पेपर में यह क्वेश्चन भी आया था कि पहले क्या ड्रॉ करते हैं, फोर्स पॉलीगन की कपल पॉलीगन. तो याद रखिएगा, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ कपल पॉलीगन, देन वी हैव टू ड्रॉ फोर्स पॉलीगन, ठीक है. इन क्वेश्चंस पे वो क्या करता है, आपको बैलेंस मासेस भी देता है. देखिए मैं आप एग्जांपल देता हूं, एक वो बोलेगा कि ये फोर्सेस लग रहे हैं सब अनबैलेंस, लेकिन वो बोलेगा कि देयर इज सम बैलेंस फोर्स आल्सो एम बी एंड देयर इज वन बैलेंस फोर्स हियर एम सी मान लीजिए.
आरबी एंड आरसी की दूरी पे, और ये डिस्टेंस कितना दूरी पे ये भी आपको वो बता देगा कि यहां से इतना दूरी पे, ये इतना दूरी पे, ठीक है ना। तो अब आप इसके साथ डायग्राम बनाएंगे, कहीं भी एमबी एमसी ले लेंगे। तो बात आती है कि व्हेन वी ड्रॉ एमबी एमसी एनीवेयर, तो फिर जब आप यहां पे टेबल बनाते हैं ऑल मासेस का, तो देखिए एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। व्हेन यू ड्रॉ अ टेबल एम वन एम टू, अब एम टू के बाद क्या है एम सी, देर इज एम बी एंड देर इज एम फोर, सॉरी एम थ्री, एम थ्री एम बी एंड एम फोर, जिस ऑर्डर पे लगे उसी ऑर्डर पर मैंने ले लिए, और इनका डिस्टेंस है आर वन आर टू आर सी आर थ्री आर बी एंड आर फोर, है ना। उसके बाद यू जस्ट कैलकुलेट द फोर्सेस एफ सी, एफ सी क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने कहा था ओमेगा लेने की जरूरत नहीं है, तो यू जस्ट कैलकुलेट एफ सी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, जस्ट एम आर, कैलकुलेट जस्ट एम आर। तो एम वन आर वन यू कैन कैलकुलेट, एम टू आर टू यू कैन कैलकुलेट, लेकिन यू डोंट नो, यू डोंट नो द एम सी, आपको बैलेंस मास नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो इसको हम एम सी आर सी लिख देंगे, इसको हम एम थ्री आर थ्री लिख देंगे, इसको एम बी आर बी लिख देंगे, इसको एम फोर आर फोर लिख देंगे। तो याद रखिए आपको सब पता होंगे, लेकिन आपको बस एम बी नहीं पता होगा और एम सी नहीं पता होगा, ये अनबैलेंस, ये आपके बैलेंस मास है, ये आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। तो अगर मैं अब फोर्स डायग्राम बनाता हूं तो यहां पे दो अननोन आते हैं, तो इन्हीं दो इक्वेशन से ये दो अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोमेंट इक्वेशन भी लूंगा तो ये अननोन सॉल्व हो जाएंगे। तो मोमेंट इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस के लिए आपको याद रखिए एक रेफरेंस प्लेन लेना होगा, किसी एक को रेफरेंस प्लेन माना होगा। भाई मोमेंट जब लेते हो आप किसी भी एस एफ डी बी एम डी में, किसी भी मोमेंट इक्वेशन में, तो आपको याद होगा मोमेंट आप किससे लेते हो, आप किसी एक ऐसे अननोन फोर्स से लेते हो जिससे, जिसको आपको निकालना है। तो यहां पे भी सेम हम क्या करते हैं, आपका आर बी और आर सी में से, एम बी और एम सी में से किसी एक को रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं, क्यों, ताकि जब उससे आप मोमेंट लोगे तो उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी डिस्टेंस से लोगे तो उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो ऐसे में एक अननोन अपने आप कम हो जाता है। तो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट वन रेफरेंस प्लेन, मान लीजिए मैंने एम सी को रेफरेंस प्लेन ले लिया, तो अब मैं सारी दूरी एम सी से देखूंगा, ठीक है, एम सी से मैं सबकी दूरी देखूंगा। तो एम सी से मैं देख रहा हूं इधर वाले भी इधर वाले, अब किसी को भी आप पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो एनी साइड, ठीक है ना। तो एम सी से मैंने एम वन देखा, मान लीजिए एम सी से मैंने एम वन देखा, एम वन किसी दूरी पे है, अब आप वो दूरी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सारा डिस्टेंस दिए भी होंगे। तो मान लीजिए आपने, मैंने कुछ भी ले लिया एग्जाम्पल कि एम सी से मैंने एम वन देखा, मान लीजिए वो एल वन पे, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं चल रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, एल वन पे है। एम सी से एम टू देखा, वो एल टू पे है। एम सी से खुद कितना है, जीरो पे। एम थ्री कितना है, अब ये माइनस वाली साइड चले गए, ठीक है ना, एल सी बोल, एल थ्री बोल दिया हमने, ठीक है, ये कितना है, एल बी बोल दिया हमने, ये कितना है, एल फोर बोल दिया हमने, जो भी। तो ये सारे मासेस हमने डिस्टेंस लिख दिए, अब क्या करो, अब फोर्स इंटू डिस्टेंस करो, इसका मतलब दैट इज कपल, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द कपल फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वन आर वन, एम वन आर वन एल वन कुछ निकल के आएगा, एम टू आर टू एल टू कुछ निकल के आएगा, बट दिस वन विल बिकम जीरो। यहां पे एम थ्री आर थ्री एल थ्री निकल के आएगा, एम बी आर बी एल बी निकल के आएगा, एम फोर आर फोर एल फोर निकल के आएगा। अब देखिए, अब आपको सब पता होंगे ये कितनी है वैल्यूज, लेकिन आपको सिर्फ एक है जो अनबैलेंस मास होगा वो निकालना होगा। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट, यू कैन जस्ट कैलकुलेट एम बी, बिकॉज यहां पे एक ही अननोन है अब। तो बस इसीलिए फर्स्ट वी ड्रॉ कपल पॉलीगन, तो कपल पॉलीगन में सारे ड्रॉ होते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हमने अभी अपने फोर्स पॉलीगन ड्रॉ किया था। आपने ये ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करोगे, ये जीरो रहेगा, ये ड्रॉ करोगे और ये ड्रॉ करोगे, लास्ट में जो लाइन जुड़ेगी उस वो होगा इसका वैल्यू, बस खत्म, वहां से आप एम बी निकाल लोगे। और जब आपको एक मास और पता चल जाएगा तो फिर अगला फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करोगे और ये भी निकाल दोगे, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैंने एक ऑब्जेक्टिव के लिए आइडिया दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इतना जानना बहुत है कि क्या क्या हम ड्रॉ करते हैं, पहले क्या ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दूसरा क्या ड्रॉ करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए जानना जरूरी है। जिनको इसकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करनी है तो वो रिक्वेस्ट रख के रखें, आने वाले टाइम में स्पेशल एक प्रॉब्लम एक लेक्चर के ऊपर इस पर भी ले सकते हैं हम लोग। क्लियर है, समझ आ गई बात, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत ही जल्द, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पेशल डिमांड लेक्चर्स भी यही रहेंगे इस तरह से, तो जैसे मैं स्पेशली अब एक थ्योरी ऑफ फेलियर्स पे लेक्चर लेने वाला हूँ जल्द ही, वो भी इसी वीक के आसपास में एक थ्योरी ऑफ लेक्चर में, बस मैं वेट कर रहा हूँ लाइव सेशन का, क्योंकि कैमरा वगैरह ये सब सेटिंग जो है वो इसी वीक में आने वाली है। तो बस जैसे ही वो आती हैं, इस
आपको इस सेशन के लाइव लेक्चर्स ऐसे ऑन डिमांड खास टॉपिक पे, बहुत अच्छे टॉपिक पे, बहुत अच्छे तैयार किए हुए, बहुत इजी वे में वो सभी लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। क्लियर है, समझ आ गई बात? ठीक है, तो जैसे कि ये हमने देखा कि द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस है ना, ये हम लोगों ने देखा द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। ठीक है, तो हमने बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस देखा यहां पे, ठीक है ना। नाउ हमने ये जाना कि रोटेटिंग मासेस मासेस कैन बी कंप्लीटली बैलेंस्ड। ठीक है, रोटेटिंग मासेस को कंप्लीटली मतलब 100% बैलेंस किया जा सकता है बाय अटैचिंग एन बैलेंस मास। ठीक है ना, तो कोई भी बैलेंस मास को अटैच करके हम रोटेटिंग मासेस को कंप्लीटली 100% बैलेंस कर सकते हैं, ये हमने देखा, चाहे वो सेम प्लेन पे हो या डिफरेंट प्लेन पे, आइदर इन सेम प्लेन और एट डिफरेंट प्लेन। तो इसीलिए रोटेटिंग मासेस की कंडीशन जो है वो क्लियर कट हमें समझ में आती हैं। और आप गाड़ियों की व्हील्स वगैरह में भी देखते हो, जब आप व्हील बैलेंसिंग करते हो तो दे आर रोटेटिंग मासेस, तो आप देखते हो कि इस तरह के कैप्सूल्स वगैरह आपको इस टाइप से कुछ कैप्सूल्स टाइप की दिखाई देंगे व्हील के ऊपर लगे हुए, तो दे आर रोटेटिंग मासेस। तो जब भी आपकी गाड़ी सर्विस होने जाती है तो कई बार आप देखते हो ये अटैच हुआ रहता है, तो वो रोटेटिंग मासेस है जो आपके बैलेंस जो बैलेंसिंग मासेस है जो आपके रोटेटिंग मासेस को बैलेंस करता है। ठीक है ना, नाउ अब हम बात करेंगे कि रोटेटिंग मासेस की समस्या जो है वो बैलेंसिंग की पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। नाउ व्हाट अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग मासेस? नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस में हम सबको पता है कि वी हैव अ रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम लाइक इंजन, हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम इंजन बोल सकते हैं। तो हेयर वी फाइंड देयर इज वन क्रैंक विच इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ ओमेगा एंड द पिस्टन विच इज रेसिप्रोकेटिंग अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। ये कहलाती है हमारी लाइन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो है वो पिस्टन मूव करता है, लेकिन फोर्स कहाँ ट्रांसमिट होता है? द फोर्स विल ट्रांसमिट अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। भाई हमें तो फोर्स कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसमिट करना है, तो कनेक्टिंग रॉड में जो फोर्स ट्रांसमिट होता है उससे क्रैंक चलता है, दैट इज योर डिमांड फोर्स। ये फोर्स तो आपको चाहिए जिससे आपको क्रैंक चलाना है, लेकिन जो फोर्स अलोंग द पिस्टन चले जाता है, पिस्टन के मोशन में जो फोर्स इन्वॉल्व है उसके वजह से एक अनबैलेंस फोर्स जो क्रिएट होता है, दैट इज योर अनबैलेंस फोर्स। तो यहां पे अगर हम देखें व्हाट इज दैट अनबैलेंस फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पिस्टन अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक के लॉन्ग पिस्टन का जो एक्सेलरेशन होता है रेसिप्रोकेटिंग एक्सेलरेशन वो कितना होता है, तो याद रखिएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। ठीक है, तो व्हेन वी कैलकुलेट द अनबैलेंस फोर्स along, जितनी भी चीजें यहां बच्चों लिखूंगा they all are very important, along line of stroke is F unbalance is equals to mass into acceleration, that is equals to mass into acceleration। और ये unbalance force को अगर मैं लिखता हूं total unbalance force, तो it will become mass acceleration, वही reciprocating masses का, तो reciprocating piston का, तो उसका अगर मैं acceleration लिखूं तो it will become mr omega square cos theta plus cos 2 theta by n। Now
वी कैन जस्ट कैलकुलेट बाय सेपरेटिंग दिस इक्वेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन। जहां जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों मैं क्लियर कट आपको बता दूंगा। तो जैसे मैंने यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है कि रेसिप्रोकेटिंग मास आपसे पूछा जाता है, तो वैसे ही अब यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए आपसे पूछा जाता है क्या कि इसके दो कंपोनेंट आप देखते हैं, व्हाट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड अदर वन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन। एंड यू ऑल नो दैट एन जो है वो होता है एल बाय आर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द रेडियस ऑफ द क्रैंक, रेडियस ऑफ क्रैंक एंड लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो नाउ यू ऑल नो दैट एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ये तो हमेशा एल जो है वो हमेशा आर से बड़ा रहेगा। सो दैट मीन्स एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और अगर एन जो है वो वन से बड़ा है तो दैट मीन्स दैट फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन से डिवाइड होगा हमेशा। तो वन से ज्यादा डिवाइड होगा तो इसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होगी। तो दैट्स वाई एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन इज लो इन वैल्यू। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस फोर्स को बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेन फोकस नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रहती है। मतलब वही वाली बात है ना कि 100 ये रहेगा तो 2 ये रहेगा, तो आप 100 बैलेंस करने पर ध्यान दीजिए, 2 तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, इसको हम सेकेंड चॉइस में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये हमारा प्राइम फोकस नहीं रहेगा, ठीक है ना। बट पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो वो तो आप बता देंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन इज द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। बट पेपर में क्वेश्चन कभी आए कि इन विच केस सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स भी एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये 100 है तो ये भी जो है वो 75 हो जाएगा, तब आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कब होगा? ये तब होगा, देखिए मास फिक्स है, जो भाई मास लग गया वो सेम है, आर भी फिक्स है, ओमेगा भी थीटा भी फिक्स है, एन भी फिक्स है, लेकिन जो चीजें बदल सकती हैं वो क्या है? स्पीड। तो अगर इफ एट हायर स्पीड अगर ओमेगा बढ़ता है तो ऑन दैट केस ओनली The secondary unbalanced force also becomes active. तो ऐसे में याद रखिए, हाई स्पीड इंजन के लिए आपको सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को भी कैलकुलेट करना होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे के कोर्स में सिर्फ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो हमारे लिए प्राइम फोकस सिर्फ यही है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस दिस प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। अब हमें सिर्फ यही सीखना है कि इस प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को कैसे बैलेंस हम लोग करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। नाउ अब हम लोग बच्चों यहां पे क्या देखते हैं कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को सबसे पहले हम बड़े सीधे तरीके से बैलेंस करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग को डायरेक्टली रोटेटिंग की तरह बैलेंस करने का कोई मेथड नहीं है हमारे पास। बट हम यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियली चीजें क्रिएट करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन मान लेते हैं कि देयर इज सम मास विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द पिस्टन एम एंड एट सम डिस्टेंस आर, ठीक है। देयर इज सम मास विच इज एट डिस्टेंस एम आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रैंक। तो यहां से हम कोई डिस्टेंस आर मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल की दूरी पे है, तो इसको अगर मैं कोई रोटेटिंग मास मान लेता हूं जो नहीं है, तो उसके लिए मैं एक एक्चुअल मास अटैच कर देता हूं जो मैं एक्चुअल में करता हूं। तो मैं एक एक्चुअल मास अटैच कर देता हूं विच इज कॉल्ड मास बैलेंस, को जनरली हम लोग बी से भी डिनोट करते हैं, बी बैलेंस मास, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस बी, ठीक है, विच इज थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो ये बी डिस्टेंस पे मैं बी मास को एक्चुअल में अटैच करता हूं, तो मैं देखता हूं कि व्हेन वी रिजॉल्व इट, तो देयर इज वन मास बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड द अदर वन इज कॉल्ड बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये मैंने कब किया? व्हेन रेसिप्रोकेटिंग
मास इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, जब मैं रेसिप्रोकेटिंग मास को पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, जब मैं रेसिप्रोकेटिंग मास को कंप्लीटली बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, तो ऐसे में जो एम आर है उसको मैं पूरी पूरी तरह से बी बी के इक्वल करने की कोशिश करूंगा, तो ऑन दैट केस मुझे क्या मिलता है, देखिए मुझे ये मिलता है कि यहां पे लगने वाला एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा पूरी तरह से बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा से बैलेंस हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है ना, तो बैलेंसिंग तो मैंने कर ली, देख रहे हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एम आर इज इक्वल टू बी बी, तो ये हमने पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। लेकिन इसके लगाने से एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बच गया, है ना, ये भी तो लेकिन बच गया जो बैलेंस नहीं हुआ, और बी बी जो है वो एम आर के बराबर ही है, तो एक तरह से एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा ही तो लग रहा है। तो ऐसे में सिर्फ क्या हुआ कि जो वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट हो रही थी मैंने इसको बैलेंस कर दिया, लेकिन वही वाइब्रेशन अब ऐसे क्रिएट हो रही है। तो ऐसे कर ऐसा करने से कंप्लीटली बैलेंस करने से मेरा क्या होता है, वी जस्ट एबल टू चेंज दी डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो हमने देखा कि अगर मैं पूरी तरह से बैलेंस करने जाता हूं तो उससे सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, जो झटके ऐसे लग रहे थे उतनी इंटेंसिटी के झटके अब ऐसे लग रहे हैं, उतनी ही, याद रखिएगा उतनी ही इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी के झटके अब ऐसे लग रहे हैं। तो ये तो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं हुआ कि आप ऐसे झटके बंद कर दिए आपने, लेकिन ऐसे झटके शुरू हो गए। तो अब बात ये आती है कि हाउ टू कंट्रोल दिस, तो यहां पे बहुत कुछ करने के बाद भी हम किसी खास सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो ऐसे में यहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, ऐसे तेज झटके खाने से अच्छा है या ऐसे तेज झटके खाने से अच्छा है कि थोड़े झटके ऐसे खा लो, थोड़े झटके ऐसे खा लो। मतलब कहीं पर एक तेजी से झटका ऐसे लग रहा है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, वो भी दिक्कत है, या परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक लग रहा है वो भी दिक्कत है। तो ऐसे में ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी लाइफ कहां हो सकती है कि थोड़े झटके ऐसे और थोड़े झटके ऐसे खा लो, ठीक है, ताकि ऐसे वाले झटके को हम शॉकर फॉकर लगा के कंट्रोल कर सके, ऐसे वाले झटके को भाई इंटेंसिटी तो कम कर सकते हैं, तो इंटेंसिटी अगर कम हो सकती है तो कल के दिन हम उसको थोड़ा सा दबा भी सकते हैं, डैम्प भी कर सकते हैं वाइब्रेशंस को। तो अब यही तरीका हम लगाते हैं, तो दैट्स व्हाई इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन, याद रखेगा, पार्शियल बैलेंसिंग इज टू बी डन, पार्शियली बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो अब यहां से शुरू होती है पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, की रेसिप्रोकेटिंग मासेस को कभी भी कंप्लीटली बैलेंस मत करो, नहीं तो उसी इंटेंसिटी का फोर्स परपेंडिकुलर लगने लग जाएगा। तो बेटर है कि आप पार्शियली बैलेंस करो, जिससे क्या होगा, पार्शियली मतलब होता है उसका कुछ हिस्सा आपको करना है बैलेंस एम आर, तो आपने एम आर बैलेंस नहीं किया, आपने उसका कुछ हिस्सा बैलेंस किया, आपने एम आर का जैसे हाफ ले लिया, आपने कहा जो मेरा बी बी है वो एम आर का हाफ है, या आपने कहा मैं वन थर्ड बैलेंस कर रहा हूं, या आपने कहा मैं वन फोर्थ बैलेंस कर रहा हूं, ऐसा कुछ, तो कुछ पार्ट, तो इस वन थर्ड वन फोर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, तो वी जस्ट से सी सी एम आर, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल बैलेंस, ठीक है ना, सी क्या है, फ्रैक्शन है, तो हमने एक तरह से उसका कुछ पार्ट बैलेंस कर दिया, एम आर बैलेंस नहीं किया, एम आर बैलेंस करके हमने देख लिया कि उतना ही इंटेंसिटी का फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हमने उसका कुछ हिस्सा बैलेंस कर लिया, तो फिर अनबैलेंस क्या बचा, तो याद रखिए अनबैलेंस अब क्या बचेगा, अब अनबैलेंस यहां पे हो जाएगा बीबी, ये बीबी, लेकिन ये हो जाएगा सी एम आर इधर और सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इधर, तो मतलब सी एम आर इधर सी एम आर इधर। तो ऐसे में हम ये कहें, ऐसे में हम ये कहें कि द अनबैलेंस फोर्स फोर्स लेफ्ट, अब दोनों तरफ बचेंगे अनबैलेंस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक भी और परपेंडिकुलर भी, तो पहले मैं बोलूं अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, अनबैलेंस फोर्स लेफ्ट अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, तो अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या बचा, तो देखियो पहले था एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, फिर हमने बैलेंस कर दिया उसमें से सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, सिंपल। तो द अनबैलेंस फोर्स अलोंग द
लाइन ऑफ स्ट्रोक इज दिस वन। तो याद रखिए किसी भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन में लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलॉन्ग इतना अनबैलेंस फोर्स रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक कितना रहेगा, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बोलो या फिर बोलो सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, इतना परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है वो फोर्स रहेगा ही रहेगा। तो मतलब अब किसी भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन में दो अनबैलेंस फोर्स लगने तय होते हैं। एक लगता है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक हमेशा बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और एक लगता है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक हमेशा दैट इज वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। बस ये दोनों याद रखिए, ये अनबैलेंस फोर्स हमेशा रहेंगे ही रहेंगे जिसको आपको जीवन भर अब झेलना है हर एक रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास कि इन अनबैलेंस फोर्स के वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में। तो आपके कोर्स में दो ही सिस्टम है, आपके कोर्स में एक है हमारे पास दैट इज लोकोमोटिव इंजन, है ना, ठीक है ना। तो मेनली तो लोकोमोटिव इंजन ही देखा गया है, सब जगह पूछा जाता है आपसे, और दूसरा इंजन। तो हम बात करेंगे लोकोमोटिव इंजन की पहले। तो अब लोकोमोटिव इंजन में इन फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो हम ये बोलें पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन अ लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव इंजन में जब हम पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो याद रखिए लोकोमोटिव इंजन में जो क्रैंक होता है वो डबल इंजन होता है, मतलब दो इंजन वाला, और दोनों में याद रखिएगा 90 डिग्री का लैग होता है, मतलब एक इंजन अगर थीटा पे चल रहा है तो दूसरा थीटा प्लस 90 पे चलेगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। तो ये दो इस लाइन ऑफ स्ट्रोक हमें लेके चलने पड़ते हैं, मतलब जो भी फोर्स लगेगा वो डबल ऐसे थीटा और थीटा प्लस 90 मिलेगा। तो यहाँ पे इस पार्शियल बैलेंसिंग के वजह से हमें दो इफेक्ट, तीन इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, पहला इफेक्ट होता है अनबैलेंसिंग, पार्शियल अनबैलेंसिंग फोर्स अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक देखते हैं पहले, तो अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक में हमें देखने को मिलते हैं दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, तो वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा ट्रैक होता है, जो हमारा एक्सल होता है, उसमें एक इंजन हमारा ऐसे लगा है और एक इंजन हमारा ऐसे लगा है, तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि इसमें दो भाई लाइन ऑफ स्ट्रोक के लॉन्ग है, मानो लाइन ऑफ स्ट्रोक ये है, तो लाइन ऑफ स्ट्रोक के लॉन्ग दो फोर्स देखने को मिलते हैं। एक है 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और दूसरा हमने क्या बोला 90 डिग्री ऊपर है, तो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 90, ठीक है। तो जस्ट वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट में आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को सम कर दोगे, और वही होगा आपका वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, सिंपल। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट है। उसके बाद इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये सब हमने सब्जेक्टिव में करवाया है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ यू जस्ट कैलकुलेट द अनबैलेंस ट्रैक्टिव एफर्ट फोर्स कितना आएगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे थीटा निकल के आएगा कि किस किस एंगल पे ये हमारा जो है मैक्सिमम होता है, तो दैट एंगल विल बी 135 डिग्री एंड 315 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस रूट टू वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है। तो कभी आप सब्जेक्टिव लेक्चर मेरा देखेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, और मैं वैसे भी बता देता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल दोनों को ऐड करना है, थीटा प्लस 90 तो हो जाएगा साइन थीटा, दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद डिफरेंशिएट करना है डी एफ को विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
थीटा किस पर डिफरेंशिएट करोगे, थीटा निकल के आएगा 135 और 315, इनमें से 135 यहाँ पुट करोगे और ये आंसर निकल के आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट टू वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट। वेरिएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा 135 और 315 डिग्री पे ही एक्टिव हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है ना, इन पूरे 360 के चक्कर में ये ऐसा टू टाइम्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो टू टाइम मैक्सिमम ये फोर्स लगता है, ठीक है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेरिएशन, और वो भी प्लस माइनस अलग अलग डायरेक्शन में। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एक्सल, ये एक्सल, तो ये एक्सल की डिस्टेंस है मान लीजिए इसकी ए, तो इसका सेंट्रॉइड अगर मैं देखूं तो सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ ऊपर और नीचे वाले व्हील तक ए बाई टू और ए बाई टू, तो अगर हम सेंट्रॉइड से देखें तो कहीं ना कहीं ये फोर्स जो है वो एक्सल को बेंड कर रहे हैं, तो इसके वजह से एक कपल भी लगता है, तो सेकंड वन इज कॉल्ड स्विंग कपल, द सेकंड वन इज कॉल्ड स्विंग कपल, तो अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक पे लगने वाले फोर्स की वजह से ही हमारा सेकंड हमें लगता है स्विंग कपल, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये स्विंग कपल और ट्रैक्टिव एफर्ट किसके वजह से है, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक में जो फोर्स लग रहा है उसी के वजह से है ये, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक में जो लोकोमोटिव इंजन में, ट्रेन के इंजन में जो फोर्स लग रहा है उसी के वजह से है सेकंड भी स्विंग कपल। अब स्विंग कपल की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्विंग कपल क्या होगा, एक कपल लगेगा, भाई सेंट्रॉइड से लो एक कपल, ये तो देखो ये सेंट्रॉइड है, तो एक कपल ऐसे लगेगा, क्या होगा, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 इंटू ए बाई टू, है ना, दूसरा होगा यहां से इधर लगेगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू ए बाई टू, है ना, तो ये दो कपल लगेंगे, एक क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज, तो ये माइनस ये आप करोगे तो यहां पे भी स्विंग कपल में भी आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों कपल को ऐड कर दोगे और यहां पे भी सेम वही डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके आप देखोगे कि किन किन वैल्यू पे जो है ये वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो ये आ रही है मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड 225 डिग्री, ये दो एंगल पे ये स्विंग कपल की वैल्यू भी जो है वो मैक्सिमम निकल के आती है, ये भी सेम आप कर सकते हो, बस अब 45 डिग्री इसमें स्विंग कपल में आप पुट करोगे इन दोनों में, तो ये कितना आएगा, ए बाय रूट टू प्लस माइनस ए बाय रूट टू वन माइनस सी एम आर ओमेगा, बहुत सिंपल है ये सब डेरिवेशन, कोई ऐसा नहीं है, पर वैल्यू इसे लिखा रहा हूं क्योंकि अभी तक पेपर में ज्यादा पूछी नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि ट्रैक्टिव एफर्ट की वैल्यू क्या होती है, स्विंग कपल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट हमारे क्या थे, पार्शियल बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, तो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो अनबैलेंस फोर्स लग रहे थे उसके वजह से लोकोमोटिव इंजन में कौन से दो इफेक्ट निकल के आते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड स्विंग कपल, सिंपल्स, ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं, देखिए ये तो पूरा मैटर सॉल्व हो गया कि इसके वजह से लाइन ऑफ स्ट्रोक में अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये दो इफेक्ट निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक ये भी है, ठीक है ना, तो सेकंड हम बात करते हैं अनबैलेंस इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स परपेंडिक्यूलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वजह से हमारा अनबैलेंस फोर्स कितना होता है, अनबैलेंसिंग कितनी होती है, तो यू जस्ट फाइंड अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, सिंपल, ये ऐसे ही लगेगा बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पे आप आराम से देख भी सकते हैं कि थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, तो यहां पे हम सिंपल कह सकते हैं कि मैक्सिमम एट, तो साफ दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, और दूसरा मैक्सिमम कब होगा, 270 डिग्री पे, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और 270 पे ये मैक्सिमम होगा, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जैसे इन सब की मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिखी है, ये सब मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, तो ऐसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बी बी ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनबैलेंस फोर्स
परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो याद रखिए इसके वजह से क्या होता है, लोकोमोटिव में बहुत तेज झटका ऐसे लगता है ऊपर नीचे इस तरह से, तो यहाँ पे हमें हैवी शॉकर्स नीड होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैमर ब्लो, इसको हैमर ब्लो बोलते हैं हम लोग। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड हैमर ब्लो। ये हमारा हैमर ब्लो होता है जिसके वजह से आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन, जबकि स्ट्रेट ट्रेन में कोई गड्ढे थोड़ी ना है पटरी में, लेकिन फिर भी हम लोग इतना बड़ा शॉकिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है, क्योंकि ये वाले झटके लगने ही लगने हैं किसी भी लोकोमोटिव इंजन में। ऐसे ही सेम ट्रैक्टिव एफर्ट भी जो है, देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट भी प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में है, तो जब वो कभी कभी मोशन की डायरेक्शन में होता है तो इट विल हेल्प टू मूव, टू अप्लाइंग अ एफर्ट टू मूव। तो ये कभी कभी हमें ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो मोशन करने में हेल्प करता है, और स्विंग कपल जो है वो एक्सल को हम लोगों को उसी हिसाब से रखना पड़ता है ताकि वो बेंडिंग जो है वो ना हो। तो ये तीनों इफेक्ट जो हैं आपको लोकोमोटिव इंजन में देखने को मिलते हैं पार्शियल अनबैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन की वजह से, ठीक है। तो ये तीनों इफेक्ट याद रखने, इनकी वैल्यू याद रखनी है, और कौन सा लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलॉन्ग है, कौन सा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं और बता देता हूँ, हैमर ब्लो में जनरली हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन एंगल पे डिपेंड है, तो इसलिए ये मूव भी कैसे करता है हैमर ब्लो, हैमर ब्लो अप्लाई भी कैसे होता है, यू कैन जस्ट सी इट इज लाइक साइन कर्व इस तरह से, मैक्सिमम एट 90 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री, मैक्सिमम एट 270 डिग्री, ठीक है ना। तो यू कैन जस्ट सी 0, 45, 90, 1, ठीक है, 135, यहाँ पे 180, ठीक है, 270 समथिंग एस 360, तो इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हैमर ब्लो। तो याद रखिए नेगेटिव साइड में देख रहे हैं आप, पी इज इक्वल बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कैन बी नेगेटिव, या बी बी ओमेगा स्क्वायर कैन बी नेगेटिव ऑन वन साइड व्हेन, ये नेगेटिव कब होता है, जब ये झटका इतना लगता है कि जो व्हील्स हैं वो रेल से ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं, व्हेन व्हील्स लिफ्ट ओवर द रेल्स, ठीक है ना। तो ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कि आपके व्हील जो है वो लिफ्ट रेल से ही ऊपर हो जाएं, तो ऐसे में ऊपर लिफ्ट हो जाएं उससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लिफ्टिंग, आपको लिफ्टिंग से बचाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड शुड बी इन कंट्रोल्ड, ठीक है ना, फ्रॉम लिफ्टिंग स्पीड शुड बी लिमिटिंग टू, तो स्पीड आपको लिमिटिंग वैल्यू स्पीड की निकालनी पड़ेगी, वो कितनी आएगी, वी ऑल नो दैट एफ इज इक्वल्स टू बी बी ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन बी बी अंडर रूट, तो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। तो आप स्पीड ऑफ रोटेशन की एक एंगुलर स्पीड की एक परमिसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू तक आप इसे परमिट कर सकते हैं जिससे कि लिफ्ट ना हो, मतलब अगर इससे ऊपर की स्पीड में चले गए हम तो क्या होगा, जो ये है आपका वो लिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है, रेल से ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ हायर एक्सीडेंट कंडीशन। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है व्हाट विल बी द परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड, दिस इज द परमिसिबल एंगुलर स्पीड, कितनी आप परमिट कर सकते हैं, परमिसिबल एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ये हैमर ब्लो की वजह से हम परमिसिबल एंगुलर स्पीड कभी आपको पूछे तो हम सिंपली यहां से निकाल सकते हैं, समझ आ गई बात, क्लियर है इस तरह से। तो ये है बेसिक सी कैलकुलेशन जिसके बेसिस पे हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। तो आई होप आप लोग की ये बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप कहीं भी करें, इतना एटलीस्ट चीज़ें आप लोग याद रखें जिससे आप लोगों को बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है। बाकी रही बात आपकी आईसी इंजन की, ठीक है ना, या एसआई इंजन की बैलेंसिंग की, तो वो नीड सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कहा था ईएस जैसे बच्चों के लिए ही रिक्वायर्ड है। तो जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी हमें तब हम वो करेंगे, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इतना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको करना है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।